नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडिंग लाइफ हैक्स में। दोस्तों आज मैं आपको पोटली बैग बनाना बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि जब वो मेरी पहली वीडियो देखे थे तो उसमें मैंने 3-4 तरह के पूजा के कपड़ों के और भी वेस्ट मटेरियल थे और बहुत सारी चीजें थी उनका पोटली बैग बनाया था। तो कुछ लोगों का कहना था कि मैं उसे सिखाऊं, तो मैं आज आपको पोटली बैग बनाना सिखाऊंगी। वो किसी भी कपड़े का हो सकता है, जैसे सिल्क के कपड़े का हो सकता है, जरी के कपड़े का हो सकता है, या फिर वेलवेट के कपड़े का हो सकता है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं पोटली बैग बनाना। दोस्तों ये पोटली बैग आज हमने बनाया है और आज मैं आपको यही पोटली बैग बनाने सिखाने वाली हूँ। दोस्तों इसमें एक बात और बताऊंगी मैं आपको कि मैंने ये लटकन भी बनाया है, जो लटकन इसमें मैंने अलग से लगाया हुआ है, इसको मैंने सिखाया नहीं है। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी जरूर, अगर आप सीखना चाहें तो मैं आपको लटकन बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि लटकन बनाना बहुत ही आसान है और पोटली बैग में लटकन बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं, कितना लेना है। 21 इंच लंबा हमें कपड़ा लेना है और उसके बाद चौड़ाई हमें लेना है लगभग 9-10 इंच। दोस्तों हमने यहाँ पे वेलवेट का कपड़ा ले रखा है, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, सिल्क ले सकते हैं, जरी ले सकते हैं या वेलवेट ले सकते हैं। अब इतना ही हम लंबा चौड़ा उसका लाइनिंग लेंगे। दोस्तों लाइनिंग मेरे पास उस कलर की नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरा कलर लगा रखा है, तो आप उसी कलर की लाइनिंग ले तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये जो कपड़ा मैं दिखा रही हूँ ये पलटेगा तो ये सामने ही दिखेगा, इसलिए ये कपड़ा भी अच्छा ही होना चाहिए लाइनिंग वाला भी। दोस्तों हम नीचे सपोर्ट लगाने के लिए एक राउंड कपड़ा काटेंगे, इसे आप किसी भी कटोरी या प्लेट की सहायता से ले सकते हैं। और ये देखिए इसका लाइनिंग है और इसी नाप का इसका वेलवेट भी होगा, ये देखिए हमने तीनों काट रखा है। अब इस पे हम सिलाई चलाएंगे चारों तरफ। अब इसकी डोरी भी हम देख लीजिए ले लेते हैं। ये मैंने 1 इंच चौड़ी डोरी बनाई है जिसमें इसको हम सिलाई करेंगे और पलटेंगे तो ये लंबी डोरी होगी। मैंने इसमें लंबाई 19 इंच रखी क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था, आप कम से कम 25 इंच लंबाई रखिए क्योंकि डोरी लंबी होती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। अब राउंड कपड़े में हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको सेट कर लेते हैं, ये देखिए। आप चाहे तो पहले कच्ची सिलाई करके उसको सेट कर लीजिए, उसके बाद उस पर पक्की सिलाई करिए, और अगर आपसे हो पर मन पड़ता है तो आप उसको डायरेक्ट सिलाई करिए, सिलाई करिए को भी पक्की वाली। अब दोस्तों हम पोटली बैग वाले कपड़े में अस्तर लगा लेते हैं उसका लाइनिंग, ये देखिए। और लाइनिंग हमेशा हमें उल्टी तरफ लगाना क्योंकि लाइनिंग को हमें पलटना होता है, तो मैंने इसमें सिल्क का कपड़ा लगा रखा है लाइनिंग में। आपकी लाइनिंग भी अगर सेम कलर की है तब तो आप किसी भी तरफ लगा के पलट सकती हैं, अगर दूसरे कलर की है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये देखिए। इसको खूब अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अब हम डोरी बनाने के लिए इसमें निशान बनाएंगे, ये देखिए मैंने 1 से 1.5 इंच ऊपर छोड़ रखा है और ये देखिए सीधी लाइन मैंने खींची है। यहाँ हम डोरी डालने के लिए स्पेस बनाएंगे, यहाँ पे 2 सिलाई चलेंगी जिसके अंदर हम डोरी डालने के लिए बना रहे हैं जगह, ये देखिए। इसे मैं सिलाई लगा ले रही हूँ, ये देखिए।
दोस्तों अब इसमें मैंने लेस सेट कर लिया है। ये देखिए, आप चाहें तो साड़ी का बॉर्डर भी लगा सकते हैं या दो तीन तरह के लेस को इकट्ठा सेट करके लगा सकते हैं। ये चौड़ा बॉर्डर बनाना ही तो होता है। बस ये देख लीजिए कि खूबसूरत क्या लग रहा है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई करेंगे। मैंने कच्ची करी थी, अब देखिए इस पे मैं पक्की कर रही हूँ। आप भी पहले कच्ची सिलाई लगा के उसको सेट कर लीजिएगा, तभी पक्की सिलाई चलाइएगा, नहीं तो लेस जब इधर उधर हो जाता है तो सेटिंग थोड़ी गड़बड़ लगने लगती है। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको पलट चुके हैं। ये डोरी वाला हिस्सा जहाँ हमने किया था, यहाँ पर भी हम लेस लगाएंगे, क्योंकि डोरी कसने के बाद ये हिस्सा ऊपर आता है, उल्टे की तरफ है ये, अंदर की तरफ। ये देखिए, अब यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। जब हम डोरी कसेंगे तो यही चीजें पलट के बाहर आती है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। अभी कपड़े को जो हम सिल चुके हैं, इसको बिल्कुल राउंड करेंगे, सेटिंग करेंगे, गोला काटेंगे इसको, और उसके बाद उसके साथ हम जोड़ेंगे पोटली बैग के साथ। ये देखिए, मैंने इसको काट लिया है। ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो निकल रहे हैं। दोस्तों अब इसमें हम पहले कच्ची सिलाई करेंगे और इसमें पोटली बैग वाला कपड़ा जोड़ेंगे। ये देखिए, एक कोने से हमने शुरू करा है जोड़ना, अब इसको हम जोड़ते हुए पूरे दूसरे कोने तक ले जाएंगे और ये राउंड में ही जोड़ा जाएगा। इसमें पहले कच्ची सिलाई करने से आसानी रहती है, ताकि कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए तो आपको सिलने में बहुत आसानी होती है। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने जोड़ लिया है। अब हम इस जोड़ को भी जोड़ेंगे, जो दोनों तरफ से हम लोग का ये पल्ला मिल रहा है। ये दोस्तों, मैं चाहती तो इस पे पक्की सिलाई तुरंत कर सकती थी, पर मैं चाहती थी कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझे, इसलिए मैं इसे पहले कच्ची सिलाई करके तब उसको बताऊंगी पक्की सिलाई करना, तो इस तरह ज्यादा आसानी से समझ में आता है। अब इसको एक बार हम पलट कर चेक कर लेते हैं कि देखिए हमारा सही ढंग से सेट हुआ है कि नहीं। ये देखिए, यदि कहीं से कोई दिक्कत या ज्यादा कम होगा तो आप उसको फिर से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा पूरी तरह से अच्छी से सेट हो गया है। ये देखिए, डोरी कसने पे देखिए यही चीजें आती हैं। ये देखिए, आइए अब इसे परमानेंट सिलाई करते हैं। इसको हम चारों तरफ से सिल लेते हैं। अब इसकी डोरी तैयार करते हैं। दोस्तों डोरी को हम सिल लेंगे, उसके बाद इसको पलट लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कट का निशान लगाते हैं और इसी के अंदर हम डोरी डालेंगे। ये दोस्तों निशान ऊपर से ही लगाते हैं,
ये देखिए, क्योंकि डोरी हमारी बाहर होती है इसलिए निशान ऊपर से ही लगाया जाता है। आप चाहे तो यदि बाहर से कट लगाना नहीं चाह रहे हैं तो जहाँ पे डोरी लगती है वहाँ पे आप थोड़ा सा सिलाई छोड़ भी सकते हैं। दो ऑप्शन है, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। अब हम दूसरी डोरी भी लगाएंगे। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि एक डोरी एक तरफ लगती है तो दूसरी डोरी दूसरी तरफ से लगती है, तभी दोनों सिरा दो तरफ होता है। ये देखिए हमारी डोरी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए देखिए कितना सुंदर शेप आया है पोटली बैग का। ये देखिए अब इसमें लटकन लगाएंगे। ये देखिए लटकन मैंने पहले से तैयार कर रखा है दोस्तों, ये लटकन मैंने खुद बनाया है। और वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं लटकन नहीं बता पा रही हूँ बनाना। मैं नेक्स्ट वीडियो में लटकन जरूर बताऊंगी कि कैसे बनता है। कई तरह के लटकन मुझे आते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और दोस्तों पोटली बैग में लटकन बहुत सुंदर लगता है, इसलिए लटकन जरूर लगाना चाहिए। देखिए मैंने चारों लटकन लगा रखा है, देखिए लटकन कितना सुंदर लग रहा है। तो आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार।